और यूक्रेन के बीच लगातार जंग से पूरी दुनिया काफी ज्यादा प्रभावित है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता भी रूस यूक्रेन जंग को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जंग के बीच जेलेंसकी की अब असल टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल पुतिन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है कि जिससे यूक्रेनी ने अमेरिका सहित नाटो देशों के अंदर भी खलबली मची हुई है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर अपने आदेश में रूसी सेना के विस्तार को लेकर बात कही है। रूसी सेना में 180,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इससे रूसी आर्मी में सक्रिय जवानों की संख्या अब 15,00,000 के आसपास आकी जा रही है। सेना के अंदर 180,000 सैनिक बढ़ाए जाने के बाद 15,00,000 एक्टिव सैनिकों की ताकत के साथ रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होगा। दरअसल यूक्रेन जंग के बाद ये तीसरी बार है जब पुतिन ने 2022 के बाद सेना का आकार बढ़ाया। लेकिन ये आखिर इतना अहम क्यों है? ये आदेश इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस के कुर्सक के क्षेत्र में यूक्रेन आर्मी घुस चुकी है और साथ ही पिछले महीने यूक्रेन ने कुर्सक के क्षेत्र के अंदर सीमा पार की थी, जिसका जवाब बिजली की तरह रूस ने दिया। वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रूस ने ये पहली दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी क्षेत्र में ये पहला विदेशी आक्रमण हमला है और यही वजह है कि पुतिन गुस्से से लाल हो चुके हैं और वो यूक्रेन के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। पिछले हफ्ते रूस के कुर्सक ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ते हुए अपने तीस तर्रार अंदाज में ही और पूर्वी डोनबास क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण यूक्रेनी क्षेत्र पोक्रोवस्क की ओर बढ़ रहा था। 2022 के बाद से ही पुतिन ने लड़ाकू सैनिकों की संख्या में 2 बार विस्तार का आदेश दिया। तो वहीं पर आपको बता दें कि पुतिन ने कब कब अपनी सेना क्षमताओं को बढ़ाया। अगर 2022 की बात की जाए तो 1,37,000 सैनिकों की वृद्धि का आदेश दिया गया। इससे रूसी सेना के जवानों की संख्या 20,00,000 से थोड़ी अधिक हो गई। वहीं पर 11,50,000 एक्टिव सैनिक इसमें शामिल थे। फिर दिसंबर में पुतिन ने 1,70,000 सैनिकों को बढ़ाया, जिससे एक्टिव सैनिकों की संख्या 13,20,000 के पार पहुंच गई। पुतिन के इस कदम के बाद जेलेंसकी काफी ज्यादा खौफ में है। एक्टिव सैनिकों की संख्या से अमेरिका भी कम टेंशन में नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुतिन के इस फैसले से दुनिया और दुनिया के बाकी देशों के ऊपर आखिर क्या कुछ असर पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।